अभी हम प्रोग्रेसिव लेंसेस या फिर बाइफोकल लेंसेस का रीडिंग कैसे लेना है चेक करेंगे। सबसे पहले आपको जो कुछ भी आपका पहले का रीडिंग था वो आपको क्लियर करना है। क्लियर करने के लिए आप आपको फोर्थ ऑप्शन है, ये दबाने के बाद आपका पहले का रीडिंग क्लियर हो जाएगा। अब ये 0-0 हो गया। फिर आपको ये लेंस लेना है, अभी मेरे पास प्रोग्रेसिव लेंस है। सेम प्रोसेस आपका बायोफोकल भी लिया, सेम रहेगा प्रोसेस। तो अभी आपको पहले डिस्टेंस का एरिया रखना है और उसके पहले आपको मोड चेंज करना है। अभी मोड हमें प्रोग्रेसिव का मोड चाहिए, तो हम यहाँ पे अभी प्रोग्रेसिव का मोड ऑन किया। अभी हम लेंस रखेंगे। लेंस रखते वक्त आपको पहले डिस्टेंस का जो एरिया होता है, दूर का नंबर, वो पहले रखना है। अभी आप स्क्रीन पे देखोगे तो आपको ग्रीन क्रॉस दिखाई देगा। ग्रीन क्रॉस आपको उस सर्कल के अंदर ला के रखना है। जब ये ब्लू हो जाता है तब आपको नीचे के बटन से सेव करना है। अगर मैं नीचे का बटन दबाऊंगा आपको 2 बार बीप का आवाज़ सुनेगा। 2 बार बीप का आवाज़ सुना मतलब सुनने के बाद आपको एडिशन का ऑप्शन ओपन हो जाता है। एडिशन का ऑप्शन ओपन हो जाने के बाद आपको फिर एडिशन जो पावर होता है लेंस का नियर विजन, उसको स्लाइड करना है, उसको सेंसर के ऊपर लाना है। जैसे आप स्लाइड करोगे ये सर्कल के अंदर वो क्रॉस जाएगा। क्रॉस जाने के बाद जब ब्लू होता है, ब्लू मतलब परफेक्ट सेंटर उसका अगर मिल जाता है, तब आप उसको सेव करना। सेव करने के लिए सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है। नीचे का बटन आपको दबाने के बाद 2 बार बीप भी सेव हो गया। सेव करने के बाद अगर आपको प्रिंट चाहिए तो आप यहाँ से आप प्रिंट ले सकते हैं। अभी हमारा ये नंबर सेव हो गया, प्रिंट भी आ गया, ठीक है।